हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आफ्टर वी फेल ये 2021 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी एक सीरीज का पार्ट है। इसके फर्स्ट टू पार्ट मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे कैरेक्टर्स के साथ प्रीवियसली क्या हुआ था ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। अब डायरेक्टली इस पार्ट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हम टेसा की मदर को उसके फादर को घर से बाहर निकलता हुआ देख सकते हैं क्योंकि वो अल्कोहलिक थे। टेसा उनके पीछे भागी, उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उसके लाइफ के लिए सही नहीं थे तो वहां से वो चले जाते हैं। जैसा हमने लास्ट पार्ट के एंडिंग में देखा था कि टेसा को उसके फादर ने ढूंढ लिया है। अब वो अपने फादर के साथ घर पर आ जाती है, उन्हें फूड वगैरह दे रही थी, अच्छी हॉस्पिटैलिटी कर रही थी। ये बात हार्डिन को सही नहीं लगती। उसे लगता है कि शायद टेसा के फादर फिर से उसे हर्ट कर देंगे, उसे कुछ चाहते हो, इसी वजह से उनसे वो बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। टेसा ने उससे इसके बारे में बात की तो हार्डिन सब कुछ उसे समझा देता है। फादर फिर टेसा से कहते हैं, मैंने तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे थे पर तुम्हारी मदर ने तुम्हें कोई भी लेटर नहीं दिया। वो हमेशा उसके कांटेक्ट में रहना चाहते थे पर उसके लिए सही नहीं, इस वजह से मदर ने पूरा कांटेक्ट उनका तोड़ दिया था। हार्डिन अब भी बहुत ही गुस्सा था। जब वो टेसा के फादर के साथ अकेले बात करता है तो फादर ने कहा कि मुझे और एक चांस चाहिए, मैं सिर्फ मेरी बेटी के साथ एक रिलेशनशिप चाहता हूँ। हार्डिन कहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट किया तो बहुत ही बुरा होगा। टेसा के फादर कहते हैं कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम टेसा को अपनी यूनिवर्सिटी में लैंडन से बात करता देखते हैं। लास्ट मूवी में जहां पर उसने इंटर्नशिप की थी वहीं पर उसे जॉब का ऑफर आया हुआ है। ये उसके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था और ये लेने वाली थी। लैंडन उसे कहता है, अब तुम दूर चली जाओगी तो तुम्हें मैं बहुत ही मिस करूंगा। इस जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में हार्डिन को टेसा ने अब तक बताया नहीं था। इन दोनों को बात करता और सुन लेता है और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया। हार्डिन ने टेसा के साथ फ्यूचर कुछ अलग इमेजिन किया था। उसे लग रहा था कि दोनों ग्रेजुएशन के बाद लंदन जाएंगे। अब जो जॉब अपॉर्चुनिटी टेसा को मिली है ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे वो छोड़ने नहीं वाली। उसने हार्डिन से कहा कि ये चॉइस तुम्हारी है, अगर तुम चाहो तो मेरी लाइफ में रह सकते हो, पर वो इसे जाने नहीं देगी। अपसेट होकर हार्डिन घर पर आया तो टेसा के फादर कहीं बाहर जा रहे थे। हार्डिन उन्हें लिफ्ट देता है तो बार में आए हुए थे। हार्डिन वैसे भी एक अल्कोहलिक ही है। ये दोनों फिर दारू पीने के लिए चले गए। वो टेसा के फादर को टेसा की फोटोज दिखा रहा था तभी एक ड्रंक आदमी आया और वो टेसा के बारे में बहुत ही गलत गलत चीजें कहता है। इस बात से अपसेट होकर हार्डिन ने उसे बहुत मारा। बारटेंडर टेसा को कॉल कर देता है और उन्हें लेने के लिए पहुंच गए। हार्डिन का इस तरीके से बिहेव करना टेसा को अच्छा नहीं लगता। टेसा ने पूछा कि बार में हुआ क्या था। हार्डिन कहता है कि वो आदमी कह रहा था कि वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा, वो चीजें सिर्फ मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन टेसा के फादर कुछ काम से चले गए पर टेसा जाने से पहले अपना नंबर उन्हें दे देती है। अब वो हमेशा उनके कॉन्टेक्ट में रहना चाहती थी। हार्डिन फिर से टेसा से जॉब के बारे में बात करता है पर टेसा अपना डिसीजन चेंज नहीं करने वाली थी। हार्डिन ने कहा कि उस सिटी में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, टेसा के साथ वो नहीं जाने वाला था। उसकी पूरी लाइफ यहाँ पर थी और सिर्फ टेसा का लाइफ में होना उसके लिए इनफ नहीं था। ये सब सुनकर टेसा को बहुत बुरा लगा पर उसने जॉब एक्सेप्ट कर लिया। सिटी में मूव इन करने के लिए टेसा अलग अलग घर ढूंढ रही थी। इसके बारे में जब किम्बरली ने उसे बात की तो उसने कहा कि तुम हमारे साथ आकर रह सकती हो। एक्चुअल में किम्बरली वैंस की वाइफ है। वैंस हार्डिन की मदर का फ्रेंड था। ये सब हमें लास्ट मूवी से पता है। किम्बरली से टेसा को यह भी पता चला कि उसी की कंपनी में हार्डिन को भी जॉब दिया जा रहा था पर उसने इसके लिए मना कर दिया। हार्डिन के पास आने के बाद टेसा ने इसके बारे में उसे बात की तो हार्डिन कहता है, तुम्हारी जॉब ऑफर मिलने के बहुत पहले मुझे ऑफर मिली थी, उसे वहां पर जाना ही नहीं था तो इसके बारे में उसने ज्यादा सोचा नहीं था। हार्डिन के फादर और स्टेप मदर ने एक ट्रिप प्लान की थी तो यहाँ पर टेसा वगैरह सब लोग आते हैं। लंदन से बात करती है और वो कन्फ्यूज थी। उसका इस तरीके से हार्डिन को छोड़कर एक न्यू जॉब लेना क्या सही डिसीजन है। लंदन कहता है कि तुम्हें जो सही लगता है तुम्हें वही चीज करनी चाहिए, अगर हार्डिन तुमसे प्यार करता है तुम्हारे पीछे पीछे आ ही जाएगा। टेसा फिर हार्डिन के पास आई। हार्डिन उसे कहता है, हमारे बीच जो भी है वो इसे खोना नहीं चाहता। टेसा भी इसे खोना नहीं चाहती थी तो जो भी हो सके ये अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए करने वाले हैं। ये सब जब लंच के लिए आए तो हार्डिन को उसकी एक ओल्ड फ्रेंड मिलती है। टेसा को लगता है कि शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। इस बात से वो जरा अपसेट हो गई थी। ऑर्डर लेते वक्त वहां का वेटर टेसा से जरा फ्लर्ट करने लग गया था। हार्डिन ने बात नोटिस की और उसे बुरा बर्ताव करता है। रात में सब लोग बाहर शॉपिंग करने के लिए गए थे तभी टेसा और हार्डिन ये दोनों पूल में आते हैं। ये साथ में इंटीमेट हो गए। हार्डिन को एक बात खाई जा रही थी, जहां पर टेसा जॉब के लिए जा रही है वहां पर प्रीवियसली उसके कलीग के साथ उसका अफेयर स्टार्ट हो गया था।
टेसा इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, पर उसका कलीग उसे प्यार करता था। हार्डी ने टेसा से पूछा, क्या तुम्हें भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी? टेसा ने ऑनेस्टली कहा कि कुछ मूवमेंट के लिए मुझे उसके लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गया था। इस बात से हार्डिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। टेसा बेचारी घर में अकेली थी तो बाहर आ जाती है। बाहर फिर से उसे वही वेटर मिला, उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट टेसा से कहता है, मैं और मेरे फ्रेंड जरा पार्टी कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो टेसा ने उन्हें ज्वाइन कर लिया। बाद में इन दोनों को बात करता देख हार्डिन भी उनके पास पहुंच जाता है। उसने टेसा से कहा, हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। हार्डिन के साथ फिर से उसकी फ्रेंड थी, पर अब टेसा को पता चलता है कि हार्डिन के फ्रेंड को लड़कियों में इंटरेस्ट है। वो अब भी हार्डिन पर गुस्सा थी तो अकेले ही चली जाती है। रॉबर्ट उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम कभी भी न्यूयॉर्क में आओ तो मुझे कॉल करना। इसके बाद वो वहां से चला गया। अगली सुबह जब टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आई तो हार्डिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। रॉबर्ट ने टेसा को जो नंबर दिया था ये हार्डिन को मिल चुका था, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। टेसा उसे समझाने की कोशिश करती है पर हार्डिन मानता नहीं। इन दोनों में यही एक प्रॉब्लम था, एक दूसरे पर ही ट्रस्ट ही नहीं करते। हार्डिन ने गुस्से में टेसा को यह भी कह दिया कि तुम्हें जॉब मिला ये सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं वैंस को जानता हूँ। इन दोनों में जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे ये हार्डिन के फादर ने नोटिस किए। वो टेसा से कहते हैं कि तुम हार्डिन के लिए बहुत अच्छी हो, वो जब तुम्हारे साथ होता है तो सारी बेस्ट चीजें करता है। ये सब सुनने के बावजूद टेसा बहुत ही हर्ट थी। हार्डिन को बिना कुछ बताए हुए ही अपने जॉब के लिए चली जाती है। हार्डिन जब एक दिन वैंस से मिलने के लिए गया था तो वैंस ने फिर से उसे जॉब की ऑफर दी, पर हार्डिन ये जॉब नहीं लेता। हार्डिन ने कहा कि मैं आपका इतना ज्यादा फायदा नहीं ले सकता, पर वैंस कहता है कि टेसा को जॉब मिला क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट है, तुम्हारी वजह से मैंने उसे जॉब नहीं दिया। ये बात हार्डिन को अच्छी लगती है। हार्डिन जब घर पर आया तो टेसा आसपास कहीं भी नहीं थी, पर उसकी नोटबुक उसे मिलती है। टेसा ने इसमें हार्डिन के बारे में लिखा हुआ था। इसमें लिखा है कि हार्डिन से वो बहुत ही प्यार करती है, पर जब हार्डिन कुछ प्रॉमिस करता है और वो कंप्लीट नहीं करता तो बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है। उस पर ट्रस्ट तो करना चाहती है पर हार्डिन हर बार उसका दिल तोड़ देता है। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। हार्डिन ने डिसाइड किया था कि वो अच्छी मेहनत करेगा, वो अपनी स्टडीज में भी अच्छा करने लग गया था। अभी कुछ दिनों के लिए टेसा से कुछ भी बात नहीं करता तो टेसा ही कॉल कर देती है। कॉल पर हार्डिन के साथ किसी और लड़की का उसे आवाज आया तो टेसा ने कॉल कट कर दिया, पर हार्डिन उसे समझाता है कि मेरी जिम इंस्ट्रक्टर थी। हार्डिन ने उसे हर्ट करने के लिए सॉरी भी कहा। टेसा भी अपने जॉब पर अच्छा कर रही थी तो किम्बरली उसे कहती है, तुम्हें जॉब सूट हो रहा है। रात में जब किम्बरली वैंस और टेसा एक साथ थे तो वैंस ने कहा कि हार्डिन के बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। ये सब उसे लगता है कि टेसा की वजह से ही हो रहा है, पर टेसा को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो हार्डिन पर प्राउड थी तो उसे कॉल कर दिया। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही मिस कर रहे थे। अगर एक साथ होते तो एक दूसरे के साथ क्या करते, इसके बारे में डिस्कस करने लग गए। इसी तरीके की बातें वो फोन पर करते हैं। टेसा इतनी दूर थी तो हार्डिन इस वजह से बहुत ही डिस्टर्ब होने लग गया था। एक रात उसे सपना आया कि टेसा किसी और के साथ इंटीमेट हो रही है, इससे वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन डायरेक्टली उसे मिलने के लिए वो पहुंच जाता है। टेसा उसे देखकर बहुत खुश हो गए, सब उसे मिलकर एक्साइटेड थे। हार्डिन ने टेसा से कहा कि मैंने तुम्हारी नोटबुक पढ़ी, तुम एक बहुत ही अच्छी राइटर हो, मेरे साथ रहकर तुम्हें जो भी फील हो रहा था इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर मैं अच्छा करने का ट्राई करूंगा, मैंने जो प्रॉमिस किए हैं ये मैं कंप्लीट करूंगा। इसके बाद ये दोनों करीब आने लग गए, पर हार्डिन को उसका सपना याद आया और उससे दूर चला जाता है। रात में डिनर करते वक्त वैंस ने हार्डिन से कहा कि उस पर वो बहुत ही ज्यादा प्राउड है, उसे लाइफ में जो चाहिए वो कर डालना चाहिए। किम्बरली समझ गई कि टेसा और हार्डिन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, पर किम्बरली कहती है रिलेशनशिप में इस तरीके की प्रॉब्लम चलती रहती है, ज्यादा वरी मत करो। बीच रात में हार्डिन अपनी नींद से उठ गया और जाकर बॉक्सिंग कर रहा था। टेसा उसके पास आकर कहती है, तुम्हें हो क्या गया, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है? हार्डिन अपने सपने के बारे में टेसा को बता देता है। टेसा ने कहा कि अब मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। हार्डिन कहता है कि मुझे हमेशा लगता रहता है कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। टेसा उसे किस करती है और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। आज रात इन्होंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था तो टेसा ने डिसाइड किया कि अब से वो पील यूज करेगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर किम्बरली ने टेसा से पूछा, क्या तुम हार्डिन के मदर के मैरिज पर जाने वाली हो? टेसा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसको लेकर टेसा ने हार्डिन को कन्फ्रंट किया और हार्डिन कहता है, अब तक मैंने खुद डिसाइड नहीं किया, इस मैरिज के लिए नहीं जाने वाला था। अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया तो इस वीकेंड के बाद हार्डिन घर पर आता है तो घर पर उसने किसी आदमी को देखा। वो डर गया था पर बाद में उसने नोटिस किया कि टेसा के फादर है। वो मार खाकर ड्रंक होकर घर में पड़े हुए थे तो हार्डिन उनका ख्याल रखता है।
टेसा जब पिल्स लेने के लिए डॉक्टर के पास गई तो वहां से उसे पता चलता है कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। उसे सुनकर बहुत बुरा लगा। हार्डिन अब चाहता था कि टेसा के पास आकर रहे, तो अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करने वाला था। उसके फादर उसे कहते हैं, तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 2 मंथ्स है, अगर तुमने चेंज किया तो ट्रबल हो जाएगा। तो हार्डिन डिसाइड करता है 2 मंथ्स वो यही रहेगा। नेक्स्ट वीकेंड पर जब टेसा और हार्डिन मिले तो हार्डिन कहता है, मेरे पास एक बैड न्यूज है, अगले 2 महीने तक मैं तुमसे नहीं मिल सकता, उसके बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। टेसा बात सुनकर बहुत खुश हो गए, वो हार्डिन के साथ ही रहना चाहती थी। ये वीकेंड टेसा और हार्डिन ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से स्पेंड किया। एक दिन जब वैंस और हार्डिन दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे तो वैंस उसे कहता है, किसी की भी लाइफ में मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आदमी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तुम्हारे मदर का मैरिज है, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, उसने अपने लिए एक पार्टनर चुना है, तो उसकी खुशी में तुम्हें शामिल होना चाहिए। वैंस ने यह भी कहा, तुम्हारी और टेसा की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर हो। हार्डिन को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हार्डिन ने भी अब मैरिज के लिए जाने का डिसाइड कर लिया और टेसा के लिए टिकट वो लेकर आता है। हार्डिन की मदर इन दोनों को देखकर बहुत खुश थी, इनके लिए स्पेशल घर उसने दे दिया। टेसा को पता चला कि हार्डिन उसके फादर का ख्याल रख रहा है, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। टेसा हार्डिन के मदर के साथ वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग के लिए गई, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। हार्डिन टाउन में अपने पुराने दोस्तों से मिलता है जो उसे ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर हार्डिन को बेटर बनना था तो इसके लिए इग्नोर कर देता है। रात में हार्डिन ने नीचे कुछ आवाजें सुनी, वो देखने के लिए गया तो वैंस और उसकी मदर दोनों इंटीमेट हो रहे थे। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वैंस की वाइफ किम्बरली अब प्रेग्नेंट भी थी और वो इस तरीके से कैसे कर सकता है। हार्डिन की मदर ने उसे समझाने की कोशिश की कि सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ये उसे कुछ बताना चाहते थे पर हार्डिन को सुनता ही नहीं। टेसा ने उसे संभाल लिया और वो बहुत रोता है। अगले दिन हार्डिन की मदर ने उसके फियांसे के साथ शादी कर ली। वैंस ने हार्डिन से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कल रात जो भी हुआ था इसके बारे में किम्बरली को भी पता चल गया था, तो टेसा जाकर उसे बात करती है। किम्बरली ने कहा कि वैंस ने जो भी किया हो वो उससे बहुत प्यार करती है और इनके आगे की लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, वो इसे इस तरीके से छोड़ नहीं सकती। वैंस हार्डिन से बात करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ। यही बात वो कल रात भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। किम्बरली को भी ये सब कुछ पता है, इस वजह से उसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। हार्डिन की मदर और वैंस ये बहुत पहले से फ्रेंड्स थे। ये सब पता चलने के बाद हार्डिन और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, वो डायरेक्टली टेसा के पास आ जाता है। मूवी के फर्स्ट में हमने देखा था कि एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, पर अब जब इन सब प्रॉब्लम से वो गुजरे, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के बीच इनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग बन गई थी। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे तो साथ मिलकर इन्हें वो फेस कर सकते थे, एक दूसरे का सहारा बनते हैं और यही पर मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी की पूरी स्टोरी सिर्फ इन 2 कैरेक्टर में ट्रस्ट और फिर से बॉन्डिंग बनाने के लिए राइट ही गई थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।